हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे हो गए। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपकी और आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, क्या कुछ सोच रहे हो, क्या कुछ फील कर रहे हो। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव के एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रिजल्ट नहीं कर सकती। जो रिजल्ट होता उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर की और आपकी इस वक्त की फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक करेंगे। 10 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है यहाँ पे। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या, मकर राशि आपके आपके पार्टनर की हो सकती है। नंबर 10 है यहाँ पे, आप दोनों के बर्थडे में हो सकता है। तो यस, आपके एनर्जीज में यही है कि आप बहुत ज़्यादा करंट में ओवर थिंकिंग कर रहे हो रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में। आपके इस रिलेशनशिप में जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, आप नहीं चाहते हो इसके साथ, जैसे कि आपके पार्टनर ऐसे चिपके रहे, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, और जो कि जिसकी वजह से आपको इतना इग्नोर करे। आपको बहुत बुरा लगता है कि आपके पार्टनर इतना प्यार होने के बावजूद, और जो कि इनको अच्छे से पता है कि आपके बिना नहीं रह पाते, फिर भी आपकी ओर देखते नहीं हैं। इस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा, आपका दिल टूटता है। आज भी आप इस तरह से 3 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन महसूस कर रहे हो, जो कि इन्होंने आपको पहले दिया है। इन्होंने आपको चीट किया है किसी और के लिए, जो पेन आप आज तक नहीं भूले हो। आपकी मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। आप आज भी इस रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हो, नहीं चाहते कि ये पर्सन आपको इस तरह से इग्नोर करे। आपके माइंड में इस वक्त बहुत थॉट आ रहा है उनसे बात करने का, एक्शन लेने का, लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आप तंग आ चुके हैं इनकी इस इग्नोरेंस वाले एनर्जी से। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं, शायद ना, मतलब इतना प्यार था तो ये मुझे छोड़ के क्यों गया। इसके ऊपर किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी ने कुछ इसको खिलाया पिलाया है, कुछ तो है जिसकी वजह से ये पर्सन इतना बदल गया। नहीं तो ये ऐसा नहीं था, ये मुझसे कितना प्यार करता था। आप इस तरह से भी सोच रहे हो करंट में, ठीक है। और एक कार्ड ले लेते हैं। यस, आप थर्ड पार्टीज़ की बातों में बहुत ज़्यादा आ रहे हो, और आपको ऐसे भी लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ की बातें सुनते हैं। थर्ड पार्टीज इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके मम्मी पापा हो सकते हैं, जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं, और जिनकी बातों पर भरोसा करके आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं लेते, आपसे बात नहीं करते, आपके लिए एक्शन नहीं लेते, और आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो ये बातें आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा फील हो रही है, सैड एनर्जीज में हो। आपका दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा रो रहा है आपके पार्टनर के इंतज़ार में, ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स है। आपके पार्टनर जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के भी हो सकते हैं। अगर आपकी फीलिंग्स रेजोनेट हुई है तो आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स क्या है। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है इनके लिए, इस वक्त इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वाओ, आपके पार्टनर तो बहुत रो रही है आपके लिए। आप देखो, आपको 3 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन है, आपके पार्टनर को 10 ऑफ सोर्ड्स वाला पेन है। आपसे ज़्यादा तकलीफ तो आपके पार्टनर को मिल रही है, जो कि आपको लगता है ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टीज़ की बातें सुनते हैं। तो इन थर्ड पार्टीज़ की बातों से आपके पार्टनर जीते जी मर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं कि आखिर मैं करूँ क्या, क्या सच में ये जो लोग बोल रहे हैं क्या वो सब सच हैं, क्या सच में मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ नहीं आएगी, या अंधेरा मेरी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा। ये आपके पार्टनर जीते जी मर चुके हैं, आपके दिल में बहुत पेन है, और ये तो जीना ही नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी से, जैसे कि हाथ धोने के लिए अब रेडी हो चुके हैं। और मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ, अगर ऐसा कुछ आ जाता है नेगेटिव कार्ड, और जब मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ तो आप बोलते हो कि कब मरेगा, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे जानना ही, इसकी डेड बॉडी देखनी है, मतलब बता दो, टाइम बता दो, ये मरेगा कब। तो ये जो कि गलत बात है, आप जिससे प्यार करते हो आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलना उसके लिए, ठीक है। अगर रीडिंग में ऐसा निकल के आ रहा है तो आपको जैसे कि ये बोलना है कि भगवान मेरे पार्टनर को स्ट्रेंथ दो, उसको होप्स दो, जो कि अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव सोचे, जो कि वो मेरे पास लौट आए, उसको इस तरह से पेन मत दो, आपको इस तरह से बोलना होता है। और जो कि मतलब बुरा लगता है कमेंट में, अगर आप ऐसा बोलते हो कब मरेगा बताओ, तो ये कैसे हम बता सकते हैं, ठीक है। ये इस वक्त जीते जी मर रहे हैं, ये आपको जानना है। ये आपसे मुआन कर गए थे, और जिनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, जो ये आपसे मुआन करके गए थे, आपको किसी और के लिए छोड़ के गए थे, इस थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए थे आपको, और जो सोच के गए थे, इनको कुछ भी नहीं मिला है। इनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। ये पर्सन अपने घर में, जैसे कि बोला ना, जीते जी मरने जैसे एनर्जीज को महसूस करता है। इन्होंने नहीं सोचा था कि मतलब कि इनके साथ इतना गलत होगा,
ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी आपकी इस रिलेशनशिप में है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसी पर्सनालिटी है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली पर्सनालिटी है, जो कि सिर्फ सेल्फिश, सिर्फ मतलब से बात करते हैं, इनसे अपना काम निकलवाती हैं और जैसे कि इनको टाटा बाय बाय करती रहती है हमेशा, रेगुलर इनका यही चलता है। जिस तरह से आपके पार्टनर ने उस टाइम पे अपना मतलब निकाला था, अपना फ़ायदा देख के आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने आपके साथ एक बार ऐसा किया है, लेकिन ये थर्ड पार्टी इनके साथ रोज़ करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस तरह से मर रहे हैं। ठीक है, यस, ये कन्फ्यूज्ड है इस वक्त भी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो आना तो है आपके पास, लेकिन यहाँ पे उल्टा चांद यही शो करता है कि इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ से क्या है, क्या आपकी तरफ से रिश्ता एंड हो चुका है, क्या आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको सच में कभी भी इनके साथ रिश्ता स्टार्ट नहीं करना है, आप कभी नहीं चाहोगे इस थर्ड पार्टी को, ये इनको अच्छे से पता है। तो क्या ये आपका फाइनल डिसीजन है, आप इनको कभी भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि ये जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, जैसे कि मैंने बोला, वो ज़्यादा रूड है और अपना ही काम निकलवाने वाली पर्सनालिटी है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पार्टनर के जीने या मरने से, लेकिन ये इजीली जाने वाली नहीं है। आपके पार्टनर को यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताया जाए कि ये आप इनकी दुनिया हो, इनकी दुनिया आपके बिना अधूरी है, और जो कि आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते, कुछ कॉल मैसेज करके बताना चाहते हैं कि करंट में आपके लिए इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा है, ट्रू लव है, ट्रू प्यार है, सच्चा प्यार, सच्चे इमोशंस से आपके तरफ से एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनको यही कन्फ्यूजन है कि शायद आप जो कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इनके साथ आपको जाना है कि नहीं जाना है, तो ये आपके डिसीजन का इंतज़ार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आप इनका ऑफर स्वीकार करें, इनके इमोशंस को समझें, और जो कि आपकी तरफ से कुछ मूवमेंट हो, या आपका इंतज़ार दिल से कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पे आपके पास आने के प्लानिंग भी बना रहे हैं, और यहाँ पे टेन ऑफ कप्स का कार्ड यही शो करता है कि दिल से आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, या आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है ये पर्सन। ठीक है, रोते बहुत ज़्यादा, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। इस रिलेशनशिप का ओल्ड पैटर्न एंड होकर नया पैटर्न फिर से स्टार्ट होने वाला है। हम आपके लिए इस वक्त एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। ट्रू मैसेज द यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस करो, आप अपने करियर के ऊपर फोकस करो, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने में बिजी रहो। ठीक है, आप अपनी फीलिंग्स मत शेयर करो अपने पार्टनर से, आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पे भरोसा रखना है कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो और अपनी लाइफ एकदम अच्छी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हो, आपका बहुत जल्दी रियूनियन तो होने ही वाला है, तो आपको इनका इंतज़ार नहीं करना है। यूनिवर्स आपको इस वक्त यही बता रहे हैं कि आपको अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स हाइड रखो, कुछ भी मत बताओ, इनको तड़पने दो, ये जब तड़पेंगे ना तभी शायद आपकी बात मानने के लिए रेडी होने वाले हैं। इस तरह से आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।